अस्सलाम वालेकुम, मैं अप्पा जाफरान हूँ। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जो इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आज मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बताने जा रहा हूँ। रिसेंटली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स आउटलाइन में बहुत सारी चेंजेस की हैं और मेरे ख्याल में इसको इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। और जैसे ये वीयू को बहुत देर पहले ये काम करना चाहिए था, खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स को एक उनको एक बहुत अच्छा जो है वो स्टडी मटेरियल मिलने जा रहा है। क्योंकि अभी जो BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप उसकी अगर कोर्स आउटलाइन देखें सेमेस्टर नंबर 1 से लेके सेमेस्टर नंबर 8 तक, अगर आप 4 इयर्स में अगर इनरोल्ड हैं किसी भी प्रोग्राम में BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या BS कंप्यूटर साइंस में या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उनकी जो कोर्स आउटलाइन आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये बेसिकली BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ही ये उन्होंने बनाई है। अगर आप इसका BS कंप्यूटर साइंस की अगर आप सारी कोर्स आउटलाइन देखते हो तो आपको पता चलता है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो। इस रिसेंटली जो इनकी सारे स्टूडेंट्स कोर्स आउटलाइन इनकी स्टडी कर रहे थे, वो उनमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं था। शायद एक दो बुक्स का या मैक्सिमम 3 बुक्स का या 2 बुक्स का डिफरेंस था, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या BS कंप्यूटर साइंस हो, उनमें आई थिंक 2-1 बुक्स का डिफरेंस था। लेकिन अभी जो BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये मैंने अभी कोर्स आउटलाइन जो न्यू आई है 2021 के, अभी जो नेक्स्ट सेमेस्टर जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है उसमें जो ये मिलेगी सभी स्टूडेंट्स को, ये बहुत ही उन्होंने इंटरेस्टिंग बना दी है। और इनमें बहुत सारी जो इनिशियल लेवल पे चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो आपको एक यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके आपको एक हाई लेवल जो मटेरियल है वो देखने को मिलता है, वो यहाँ पे अब देखें कि ये जो बुक्स हैं सेमेस्टर 1 की BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये वो बुक्स हैं जो हम तीसरे या चौथे सेमेस्टर में जाके हम पढ़ते थे। तो अभी ये इन्होंने ये जैसे फिज़िक्स 101 है, ठीक है, और ये इनमें बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर्स में मिलती थी देखने को, लेकिन ये इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही इंक्लूड कर दी हैं। और यहाँ पे अभी इन्होंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड की है कि इन्होंने प्रैक्टिकल जो आपका बुक्स होंगी वो भी इन्होंने इसमें इंक्लूड की हैं। तो आपका हर सेमेस्टर में आई थिंक एक आपकी बुक लाजमी हुआ करेगी जिसका आपका प्रैक्टिकल भी हुआ करेगा। तो ये एक आई थिंक एक बहुत ही अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है वीयू ने, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लत लग गई थी चीटिंग की, तो अभी ये थोड़ा सा चीटिंग जो मटेरियल है वो भी इससे उसको भी स्टूडेंट्स को जो है ना उससे भी थोड़ा अभी सबक लेना पड़ेगा कि अभी आप इधर आके कुछ सीख के जाओगे तो आपके लिए इंडस्ट्रीज में हर जगह पे आपके लिए जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और अपॉर्चुनिटीज़ इंसान को खुद क्रिएट करनी चाहिए, ना कि आपको जो है वो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर एट वंस, तो बेहतर है कि अपॉर्चुनिटीज़ को खुद क्रिएट किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, उनको सीखेंगे, रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। और अभी इसका बेस्ट वे यही है कि आपके पास YouTube बेस्ट रिसोर्स है, गूगल आपके पास बेस्ट रिसोर्स है, ये दो जो हैं ये बहुत अच्छे आपके टीचर हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो मोटिव है वो भी यही है कि अगर आपको लेक्चर से या हैंडआउट से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उनको अपने तौर पे जो है वो सीखने की कोशिश करें, अपना जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इन्हेंस करें, आप क्रिएटिव बनें।
ठीक है, बजाय इसके कि आप जो है वो अदर स्टूडेंट से या यूट्यूबर से आप बैठ के यहाँ पे असाइनमेंट्स का सलूशन मांग रहे हो या अपनी उनसे एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, बेसिकली ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी मैं जहाँ तक समझता हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज के बिलोंग करते हैं, जिनको फीसिस का इशू होता है, जो फीसिस पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए अगर वो कुछ वाकई ही अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसको इनहेंस करती है। ठीक है, आपको आपकी सर्चिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, आपके आपके सीखने की सिखाने की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो स्कूटिंग के बहुत सारी न्यू चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली है, तो अभी मैं ये देख के ज़्यादा शौक नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये है कि ये बहुत इन्होंने लेट काम किया है, खैर देर है तरुस्ता है, तो अभी इसकी कोर्स आउटलाइन को एक दफ़ा देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या नई चीज़ें जो है वो यहाँ पे रखी हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, यहाँ पे ये इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ रख दी है कि ई लर्निंग से इन्होंने पहले ही सेमेस्टर में, क्योंकि बच्चों को ई लर्निंग का इतना आइडिया नहीं होता, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत डिफिकल्टीज जो है वो फेस करना पड़ती हैं, तो ये एक इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया ई लर्निंग का। होप सो कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी जिससे आपकी जो ई लर्निंग स्किल्स हैं वो डिवेलप होंगी, आप मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि YouTube और Google आपके जो हैं वो अभी फिलहाल तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो आपके बेस्ट टीचर्स हैं, आप इनसे कुछ भी सीख सकते हो इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। अभी सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप देखें तो CS201, और यहाँ पे इन्होंने इसका प्रैक्टिकल भी ऐड किया है, और ये प्रैक्टिकल का जो क्रेडिट आर होगा ये 1 क्रेडिट आर इसका जो है वो हुआ करेगा प्रैक्टिकल का, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आएगा। तो अब ये देखेंगे ये जो आपको STAT 301, ये ऐसी बुक्स जो आपको 4th, 5th या 5th सेमेस्टर में जाके आप पढ़ते थे वो भी आपको यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में ही देखने को मिल रही हैं, और सेमेस्टर नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी CS304 और CS301 ये दो प्रैक्टिकल्स की जो आपकी बुक हैं, तो किसी सेमेस्टर में एक है किसी में दो हैं। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो आपको इन्होंने बहुत सारी जो हैं वो इलेक्टिव बुक्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। अब यहाँ पे आप जो MGT 101 है, अगर जो बच्चे न्यू कमर्स हैं उनको मैं बताता जाऊं कि MGT 101 जो है यह बहुत टफ होती है, इसमें बहुत सारी सैप्लियाँ जो हैं वो बच्चों की आती हैं, तो MGT 301 इससे कदरे इजी है और बहुत ही बंदा इजीली इसको कवर कर लेता है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर नंबर 4 में जंप करेंगे इस दफ़ा, तो वो MGT 101 के बजाय MGT 301 अगर उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो बेस्ट चॉइस रहेगी मेरे ख्याल में। लेकिन और तो अब ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में MGT 101 को कवर करके आए हैं तो वो इसको आई डोंट थिंक सो कि वो इसको दोबारा से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको इसके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो अर्न कर चुके हैं। तो ये आई थिंक के न्यू कमर्स के लिए ही है, जो भी हमारे बाद जो आएंगे। तो सेमेस्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी CS409 ये प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारी बुक्स जो हैं इन्होंने वो ऐड की हैं BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इसकी जो कोर्स आउटलाइन है, स्टडी जो स्कीम है BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 70% या 60% आप कह सकते हैं कि इसमें उन्होंने जो न्यू मटेरियल है वो ऐड किया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई बच्चा पढ़ के जाता है सही मायनों में, कुछ सीख के जाता है, कुछ लर्न करके जाता है, तो वो
एटलीस्ट इंडस्ट्री में जो है वो किसी को कुछ करके दिखाने के काबिल हो जाएगा अगर वो खुद से कुछ करता है तो। अगर ऐसे ही वो इधर उधर से चीज़ें जो है वो फाइंड करने की कोशिश करता रहेगा तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला। तो आगे यहाँ पे सिक्स मास्टर में भी आप देखें यहाँ पे वर्चुअल सिस्टम्स एंड सर्विसेज। अब ये वर्चुअल सिस्टम्स एंड सर्विसेज ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हाईली इन डिमांड है ना ये चीज़ है वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इन्होंने ऐड की है और इसका साथ में प्रैक्टिकल भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी कुछ इन्होंने चेंज किया है। और ऐसे ही सेवन्थ सेमेस्टर में भी आप देखें तो ये काफ़ी सारी इन्होंने आपको जो है ना वो ऑप्शंस आपको दे दिए हैं आपकी इलेक्टिव्स में। आप इनमें से जो चाहें वो आप पढ़ सकते हो, जो आपको सूटेबल लगती हैं, जो आप जिस फील्ड के रिलेटेड आप आगे इन फ्यूचर में काम करना चाहते हो उसके रिलेटेड आप इनमें से इलेक्टिव्स में से आप चूज कर सकते हो। इसके साथ ही सेमेस्टर नंबर 8 में देखें तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑप्शन मिल जाता है और ये भी हाईली इन डिमांड जो है ना ये चीज़ है साइबर सिक्योरिटी की। और इसके अलावा ये PHP वेब एप्लीकेशंस में आपको PHP पर्ल CGL MySQL ये चीज़ें हमने दूर दूर तक नहीं देखी थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तो खैर ये भी अब बच्चों को देखने मिल रही हैं। उसके अलावा ये डाटा बेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल, अब ओरेकल का कंसेप्ट ही नहीं था दूर दूर तक यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बहुत सारी एडवांस चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लर्निंग के लिए मिल रही हैं। BS अगर BScS और BSIT के अगर आप देखें जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी कन्फ्यूज हैं तो जिन्होंने अभी इनरोल किया है इस सेमेस्टर में, तो वो अगर तो BS अगर वो ज़्यादा टफ स्टडीज़ नहीं कर सकते, जॉब होल्डर्स हैं या वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कंप्यूटर साइंस में, तो वो आई थिंक सो कि उनको BSIT की तरफ जाना चाहिए ना कि BS कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि BS कंप्यूटर साइंस जो है इसमें काफ़ी सारी बुक्स ऐसी हैं जो काफ़ी टफ हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल हैं, काफ़ी प्रैक्टिकली आपको उनको जो है वो आउट ऑफ द वे जा के आपको यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा आपको उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना पड़ते हैं, उनको सर्च करना पड़ता है। तो लेकिन चीज़ें आप देखें BSIT है या BS कंप्यूटर साइंस है तो स्कोप किसी भी डिग्री का नहीं होता, स्कोप आपके पास जो नॉलेज होता है उस चीज़ का होता है या आपके पास आफ्टर गेटिंग योर डिग्री आपके पास जो स्किल होती है उस चीज़ का स्कोप होता है, स्कोप कभी भी आपकी डिग्री का नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपको अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए अभी। और अभी पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर है। ठीक है, तो जॉब बजाय जॉब किसी से मांगने के जॉब प्रोवाइड करने वाले बने। ठीक है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले बने आप लोग, रादर देन के आप जस्ट जो है वो जॉब सर्चिंग में आफ्टर गेटिंग योर डिग्रीज आप जॉब सर्चिंग में ही लगे रहो। तो इसलिए यहाँ से अभी आपको ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने बहुत सारा कोर्स आउटलाइन जो है वो यहाँ पे ऐड किया है, जिसको आप अभी अगर आप अच्छे तरीके से इस यहाँ से पढ़ के निकलते हो, कुछ सीख के निकलते हो तो आप इंडस्ट्री में कम्पीट कर सकते हो अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो अभी भी एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ जो बहुत सी अच्छी पोस्ट पे आज बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई किसी सॉफ्टवेयर हाउस में बैठा हुआ है, कोई अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा है, तो वो वही लोग ये काम कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ से स्किल ली है। ठीक है, जिन्होंने VU के कंसेप्ट को समझा है, रेदर देन के आप जो है वो चीटिंग मटीरियल्स को अप्रोच करते हो। ठीक है, हम भी खुद भी अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल पे ये सारी चीज़ें, लेकिन आप देखें कि हमने अपने किसी भी जो जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं उनका मकसद है कि आपको शॉर्ट टर्म में किसी ना किसी तरीके से जो है वो आप तक कंसेप्ट को पहुंचाया जाए, रेदर देन के आपको
चीटिंग मटेरियल के ऊपर जो है वो लगाया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से फाइल्स का ही डिमांड करते हैं, लेकिन उनको फाइल्स आज तक इसीलिए प्रोवाइड नहीं की कि एटलीस्ट वो वीडियोस देखेंगे तो उनका शॉर्ट टर्म में भी उनका कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए फाइल्स जो वाला सीन है वो हमारे चैनल पे नहीं होता। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको किसी भी तरह से अगर हम कंसेप्चुअल चीज़ों की तरफ ला सकते हैं तो हम ज़रूर लाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी सारी बुक्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस अगर आप अपनी उठा के देखें कोर्स आउटलाइन, तो उसमें जस्ट आपको 2 या 3 बुक्स का आपको जस्ट डिफरेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बुक्स जो हैं, जब आप इनको ओपन करेंगे, आप यहाँ पे सिंपल सर्च करें BScS रियू स्टडी स्कीम, ठीक है, और यहाँ से इसको आप ओपन करेंगे जब, मैंने ये पहले ही ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है और ये भी ओपन हो गई है, तो यहाँ से आप इसको जब ओपन कर लेंगे और साथ में आप BScS IT की आप जब ओपन करोगे, तो आप इन दोनों का कंपैरिजन करें और फिर जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो देखें कि उनको BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना है या उनको प्योर कंप्यूटर साइंस में जाना है। क्योंकि अभी इस वक्त जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये सारा कोर्स ऑनलाइन जो है वो रेडी किया है, अगर आप कंप्यूटर साइंस चूज़ करते हो तो आप प्योर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो है वो काउंट किए जाओगे। अगर आप BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाते हो तो वहाँ पे आपको प्योर BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही मटेरियल मिलेगा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए, BS कंप्यूटर साइंस चूज़ करना चाहिए या BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज़ करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा टाइम लें, चीज़ों को सर्च आउट करें, अपने कोर्स ऑनलाइन को देखें, उनमें जो बुक्स है वो देखें कि कौन कौन सी उनमें जो है वो बुक्स आपको मिलती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी मिलती हैं या कंप्यूटर साइंस में कौन कौन सी आपको देखने में मिलती हैं, तो फिर आप बाद में जो है वो डिसाइड करें कि आया आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में जाना है या आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है। और ये फील्ड जो है ये दोनों ही अच्छी हैं, BS कंप्यूटर साइंस भी अच्छी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज भी जो है वो भी अच्छी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस BS कंप्यूटर साइंस जो है इसमें, क्योंकि ये प्योरली कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ जाती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है BScS IT की निस्बत। तो BScS IT थोड़ा सा जो है वो ईजी होता है मैं समझता हूँ, और BS कंप्यूटर साइंस जो है, क्योंकि मैंने इनकी जब बुक्स का एनालिसिस किया है तो मैंने देखा है इनमें BS कंप्यूटर साइंस जो है इसमें काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो ऐसी हैं जिनको आपको जो है वो आउट ऑफ द वे जाके आपको उनमें परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनमें ज़रा कदर आपको जो है वो ईजी बुक्स देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, होप सो कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।